तो दोस्तों आपने अपने Redmi A3 मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जो भी अपनी स्क्रीन पर लॉक वगैरह लगाया हुआ है उसको हमें क्या करना है, बंद कर देना है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर अपने लॉक को सबसे पहले यहाँ पर बंद कर देते हैं, जहाँ पर हमारे फ़ोन में पैटर्न लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों हम जहाँ पर बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे नीचे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर थीम पर क्लिक करना है। थीम पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार बना हुआ है, जहाँ पर आपने थीम पर इसको सेट करना है। उसके बाद सर्च बार में आपने लिखना है MOXXUI। इस तरह लिखने के बाद आपने यहाँ पर इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक नंबर पर ये जो MOXXUI वाला है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपका यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। मेरे अप्लाई का रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपने यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी टिक लगी हुई है, तो यहाँ पर आपने सभी टिक को यहाँ पर हटा देना है। सिर्फ आपने लॉक स्क्रीन वाली टिक को ही रखना है और अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो है फिंगरप्रिंट, तो दोस्तों हमारा जो फिंगरप्रिंट है यहाँ पर लग चुका है।